अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो है वो हमारी पहली क्लास है। तो पहली क्लास को जो है हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी से करेंगे। सबसे पहले जो है ना, जब आप वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आनी चाहिए वो होता है आपका मैप, वर्ल्ड मैप आपको सबसे पहले आना चाहिए। सिर्फ वर्ल्ड मैप नहीं, उसके बाद भी मतलब बाकी कंट्रीज के अलग से, अगर कॉन्टिनेंट्स के अलग से किसी एक कंट्री का, तो वो भी आपको मैप बनाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो है ना, हम वर्ल्ड मैप इसके अंदर सीखते हैं। तो आपने जो है ना, ये जो वर्ल्ड मैप है ये खुद से ड्रॉ करना है। अगर आप ये खुद से ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपकी तैयारी में आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते खुद तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होंगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। हमारे जो टोटल है ना वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं, तो मैंने अभी आपको उनके बारे में बताना है। अच्छा, एक तो ये चीज है। हाँ, पहले मैं आपको मैप ड्रॉ करने से पहले एक चीज और बता दूं। हम जब भी मैप्स पढ़ते हैं तो उससे पहले जो है ना, हम एक चीज ड्रॉ करते हैं, और वो क्या है, हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। आप लोगों ने जो है ना, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको तो ये भूल जाता है कि इस तरह कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, तो उनके लिए जो है ना, एक तो जो ये हमने लिखी है ना आपकी डायरेक्शंस, ये है न्यूज़। क्या है? NEW और S, ये आपकी एक तो बन गई है न्यूज़। और दूसरा, इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह जो है ना, एक N सा बना देना है, ठीक है? इस तरह N बना लें या Z समझ लें, इसको थोड़ा सा तिरछा है। तो अब ये जो पॉइंट्स है ना, पहला पॉइंट है यहाँ पे N है, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे E है, तीसरे पॉइंट पे W है और चौथे पॉइंट पे S है। तो ये न्यूज़ जैसे कि 1 2 3 4, तो इस तरह हमने इसको तरतीब से यहाँ लिख दिया, ठीक है? तो आपको डायरेक्शन सबसे पहले आनी चाहिए वर्ड मैप ड्रॉ करने से भी पहले। अब हम बात करते हैं वर्ड मैप ड्रॉ करने की। तो हम सबसे पहले जो है ना, वो ड्रॉ करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका जो है ना, यहाँ पे आपका इसको आपने ड्रॉ इस तरह करना है, एक यहाँ पे आपने ना ऐसे W सा बना देना है, ठीक है? तो ये हमने W बनाया है, तिरछा है जरा। तो इस W को बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सा नीचे लाना है ऐसे करके, ठीक है? फिर यहां से आपने बनानी है गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है? वो इस तरह करके आएगी आपकी, ये एक गल्फ बन जाएगी आपकी, और इसको आप आगे लेके आते रहेंगे यहां से इस तरह, ठीक है? फिर अब जो दूसरा पार्ट आपका रह गया, उसको आप बेशक ऐसे डायरेक्टली सीधा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यहां तक आ गया, और इसके बाद आपने यहां पे थोड़ी सी इसकी एक और गल्फ है वो बनानी है, और उसके बाद इसे यहाँ से नीचे से ला के ये हल्का सा आपने एक कंट्री है और सेंट्रल अमेरिका का वो बना के, और बिल्कुल इसको जो है ना, यहाँ पे ये बारीक हो जाएगा, ऐसे आता आता ना चूंच बन जाएगी इसकी, ठीक है? तो ये आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्थ अमेरिका, और आपने खुद भी ये साथ साथ ड्रॉ करते रहे अपने रजिस्टर के ऊपर ना, सिर्फ देखना नहीं है, तो बनाने का मकसद ही है आपके सामने। फिर हमने ड्रॉ करना है साउथ अमेरिका, तो हम यहां से थोड़ा सा ऐसे ऊपर को लेकर जाते हैं इसे, ठीक है? और यहां से फिर ये आ जाता है वापसी, और ये वाली जो साइड है यहां से वो बिल्कुल ऐसे सीधा आ जाता है, ठीक है? और इसको हम थोड़ा 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 ऐसे मोड़ते 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 ना यहां तक ऐसे लेके आते हैं, और ये यहाँ पे आके मिल जाता है, ठीक है? तो ये आपके 2 कॉन्टिनेंट बन गए। अब हमने बनाना है तीसरा कॉन्टिनेंट जो हमारा है अफ्रीका का। अच्छा, एक थ्योरी है जो पेंजिया थ्योरी, चले खैर थ्योरी वाला आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें आप, हम बनाने लगे हैं अब अफ्रीका को। अफ्रीका को हमने जो बनाना है ना, वो हमने देखें इस तरह बनाना है, यहाँ से एक हमने बना देना सी, ठीक है? ये हमने बना दिया सी, और अगर गौर करें तो यही वाला सी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करके बना हुआ है, ठीक है? खैर, ये हमने सी बनाया नॉर्थ अमेरिका, किसका? अफ्रीका का। और सी बनाने के बाद हम इसे यहां से ले आए ऐसे करके नीचे, और फिर हमने यहीं से इसको ऐसे थोड़ा सा चौड़ा करके उठाना है, ठीक है? यहां आ जाएगा ये, फिर यहां पे ऐसे जो है ना, इसको एक बना देना है इसका हॉर्न। क्या बना देना है? हॉर्न। यहाँ पे इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन ये हमारे बाद के MCQs है। ये हॉर्न सा बनाना है आपने, और यहां से फिर इसको यहां तक ले आना है, और ये वाला अब आ जाएगा पार्ट आपका नीचे, ठीक है?
तो एक दो और तीन कॉन्टिनेंट है अभी तक हमने आपके अगर लिए ड्रॉ कर लिए। अच्छा जी, डस्टर कहाँ गया? ओह हो, डस्टर मिल गया। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको अभी थोड़ा सा हम यहां से कर देते हैं इरेज। ये आपको पता तो चल गया है ना कि किस तरह आपने ड्रॉ करना है, फिर भी ये हमारे लिए है तो जरूरी, हमने बनाना तो इसे है कहीं ना कहीं। यही मैं बना देता हूँ छोटा सा करके ना, NEWS, और जो ट्रिक था वो आपने रजिस्टर पे नोट कर लिया होगा, होप सो। अच्छा, ये आपके बन गए कितने, तीन कॉन्टिनेंट बन गए। अब मैंने क्या किया, देखें यहाँ पे जो हॉर्न निकला हुआ है ना, मैं इसी हॉर्न के साथ साथ आया यहाँ पे, इसी हॉर्न के साथ साथ आया और मैंने इस तरह जो है ना एक कंट्री ड्रॉ कर दी। और ये जो मैंने कंट्री ड्रॉ की है यहाँ पे, ये है आपका सऊदी अरेबिया। और ये किस कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हमने यहाँ से, अब सऊदी अरेबिया स्टार्ट हो गया आपका, वो सॉरी एशिया आपका स्टार्ट हो गया। एक दो तीन हो गए, ये चौथा हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से ये जाएगा ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ऐसे वापस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आएगा ये थोड़ा सा ऐसे कट मार के यूं जाएगा, और ये आपका बना देगा यहाँ पे क्या, इंडिया, ठीक है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। इंडिया के बाद ये थोड़ा सा आगे जाएगा, अच्छा जी, ये इंडिया के बाद ऐसे थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर ये थोड़ा सा और मजीद नीचे आ जाएगा ना। ये है बिल्कुल ऐसे नोक नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन बस बनाते वक्त वो इस तरह का ही बनता है, ठीक है। इंडिया बनाया आपने, और यहाँ पे आपने बनाई कौन सी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बनाई यहाँ पे आपने, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके बाद हमने इसको ऐसे करना है और यहां से ले जाते 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 हमने इसको ऊपर ले जाना है यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से हमने छोड़ा था, यहां से खैर इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहां से ना इधर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और जिब्राल्टर जो है वो इंग्लिश में जबले तारिक को कहते हैं। जबले तारिक, जबल कहते हैं पहाड़ को, और तारिक यानी कि वो पहाड़ जहां पर तारिक बिन ज़ियाद जाकर रुका था। तो यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और यहां से हमने जो है ना आपकी बनाई कंट्रीज कौन कौन सी, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। तो इसको याद करने के ट्रिक्स होते हैं, खैर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में, वो है आपका GFS, ठीक है। पहले जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर एस, जी एफ, जैसे गर्लफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड्स लगा लो ना। तो ये अब यहाँ पे जो आपका सबसे पहले बनेगा ना वो बन जाएगा कौन सा, GFS था ना, तो स्पेन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से है ना ये ट्रिक बनता हुआ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये आपका जा रहा है क्या, यूरोप जा रहा है, और यहां से जो है ना ये एक मशरूम की शक्ल बनाएगा इस तरह, ये मशरूम टाइप, ठीक है, और फिर मशरूम की शक्ल बनाता हुआ फिर से ये आपका निकल जाएगा सीधा यहां तक, ठीक है। होप सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब हमने जो टोटल कंटिनेंट ड्रॉ किए ना, वो हमारे हो गए हैं पांच, ठीक है। एक तो ये एशिया ड्रॉ किया, दूसरा हमने यूरोप ड्रॉ किया। अभी ये कंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ आज आखिरी बार तो मैं अपनी ना बनाना, मैं अब तो हमने बनाते रहना है। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे वैसे स्पेन था, और GFS ऊपर आएगा जर्मनी, फ्रांस और फिर स्पेन, और इसके साथ ही यहाँ पे क्या पुर्तगाल भी है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया है। अब आपकी जो ये दो कंट्रीज है ना, ये आपकी यहां से कहीं से हो जाती हैं अलग, दो कॉन्टिनेंट, सॉरी कंट्री नहीं, और ये आपके कितने, एक दो तीन चार पांच कॉन्टिनेंट बन गए, और आपके रह गए दो, उनको भी बना लेते हैं, ठीक है। उनके बनाने से पहले यहाँ पे जो आपके छोटे मोटे कंट्रीज हैं तो उनको हम बना लेते हैं, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है वगैरह वगैरह, फिर यहाँ पे आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये यहाँ पे कट जाता है थोड़ा सा, और फिर यहाँ से आके ये हमने आपका बना लिया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमने आपका क्या बनाना है, यहाँ पे हमने आपका बनाना है कलाली नुनात। कलाली नुनात का नाम आपने शायद ना सुना हो, ग्रीनलैंड आप जो है ना इसको कह लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक आपका रह गया है वो हमने यहाँ से बनाते हुए आना है आपका
जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या चीज, बर्फ है सारी की सारी, और वो एक आपका अलग कॉन्टिनेंट है। तो ये जनाब हमने ड्रॉ किया है आपका वर्ड मैप। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, तो आप डायरेक्शंस को देखें। डायरेक्शंस को अगर आप देखते हैं ना, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और नीचे क्या है, साउथ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ है, और जो ये नीचे वाला है ये साउथ है। ठीक है, होप सो मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखें ये हमने क्या कितनी चीजें लिख दी, दो डायरेक्शंस लिख दी। इसी तरह ये जो लाइंस हम मैंने ड्रॉ की है ना, इन लाइंस के अंदर अंदर सारी खुश्की है, लैंड है, और इन लाइन के बाहर सारा क्या है, वाटर है, पानी है। एक यहाँ पे हमने नॉर्थ ड्रॉ किया है कि यहाँ पे, इसी तरह मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये खाली जगह जो है ना, ये चूंकि ऊपर वाली डायरेक्शन है, मैं इसको कह देता हूँ ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, और जो ये नीचे वाली डायरेक्शन, मैं इसको क्या कह देता हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है आपकी साउथ की डायरेक्शन है। अब हम इसको आगे करते हैं। आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, अमेरिका का नाम सुना है ना तो लोगों ने, जिसके बारे में कहते हैं कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई बात हो जाए ना तो हम क्या कहते हैं, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। तो खैर इस अमेरिका की यानी कि अमेरिका की ना कुछ टर्म्स हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन सी टर्म्स हैं। होप सो यहाँ तक आपको ना नजर आ रहा होगा, मैं देख लेता हूँ एक मिनट पहले। हाँ जी नजर आ रहे हैं ना यहाँ से, तो ये मैं बल्कि यहाँ कर देता हूँ थोड़ा। अमेरिका के बारे में ना आपने जो टर्म सुनी होंगी ना, आपने एक तो सुनी है, सुनी सुनाई मैं आपकी बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये वाला जो नॉर्थ है ना वो है नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका। उसके बाद आपने टर्म सुनी होगी साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। क्या हो गया आपका, साउथ अमेरिका। इसके अलावा आपने जो टर्म सुनी होगी वो सुनी होगी सेंट्रल अमेरिका की। ठीक है, CENTRAL, सेंट्रल अमेरिका की। उसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी लैटिन अमेरिका की। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं LATIN, लैटिन अमेरिका। इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ना आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं, जिसके अंदर से मैंने यहाँ पे आपको जो दो टर्म्स हैं ना वो तो मैंने बता दिए हैं। सीधी सीधी ना वो दो कॉन्टिनेंट हैं, जो ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन में है नॉर्थ अमेरिका है, जो नीचे साउथ की डायरेक्शन में है वो कौन सा है, साउथ अमेरिका है। तो खैर इन टर्म्स की तरफ अभी आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है ना, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस वगैरह और सीज वगैरह, पहले उसको देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये जो है ना कॉन्टिनेंट, ये है आपका अफ्रीका। कौन सा है, ये है आपका अफ्रीका। अभी जब हम जो है अपना पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ेंगे जब हम, मैंने बताया ना कि जो जीके है, जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी जो है और पाकिस्तान अफेयर्स जो है, ये सारे ना ओवरलैप कर रहे हैं सब्जेक्ट्स आपके, तो इनको बेशक आप डिस्टिंग्विश ना भी करो तो चलेगा, और आपके अच्छे खासे मार्क्स जो है यहाँ के, वो मैंने डिवीजन भी आपको बताई हुई है। खैर अफ्रीका की जब हम बात करते हैं ना, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहाँ से इंसान जो है ना वो इंसान की इवोल्यूशन हुई, यानी कि इंसान पैदा हुए, होमो सेपियंस जो है, बेसिकली होमो इरेक्टस यहाँ पे आए थे। कौन आए थे, होमो इरेक्टस। और जो हम लोग हैं अभी मौजूदा, हम लोग हैं होमो सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है वाइस। ठीक है, और जो इरेक्टस होता है ना, इरेक्टस का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हो अब इंसान, वो वाले इंसान। ठीक है, होमो इरेक्टस थे पहले, जिनकी जो रीढ़ की हड्डी है थोड़ी सीधी हो गई है, उससे पहले बिल्कुल झुकी हुई थी, और फिर हम आते हैं यानी कि होमो सेपियंस आते हैं। खैर वापस आते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट्स पे। ये हमें जो है ना वो मसला दरपेश आता है वन पेपर के अंदर, कि कहीं से भी कोई बात मिलती है ना, हमने वो बता देनी होती है ताकि बच्चे जो है ना उसको याद रखें, एसोसिएशन बनाएं। यहाँ पे जो है ना, अब आपका जो कॉन्टिनेंट है ये, इसको मैंने ऐसे ही अलग कर दिया, इसको ये अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है।
ठीक है, ये एक ही चीज है। तो ये आपका कॉन्टिनेंट है यूरोप, EUROPE, यूरोप। उसके बाद आ गया ये वाला कॉन्टिनेंट आपका, जहां पे हम लोग हैं, यहाँ पे हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान भी है ना, ठीक है, वो इस तरह का कुछ है, अभी सही से मुझसे बना नहीं है लेकिन है यहीं पे। अच्छा, तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ना आपका, वो है एशिया। कौन सा है ये? एशिया। दो तीन चार पांच हो गए, एक ये बड़ा है छोटा सा, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, मैंने आपको बोला कि लाइन से नीचे जो है वो लैंड होगी और जो बाकी ऊपर वाला एक से सारा वाटर होगा, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको हम क्या कहते हैं? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिक, ठीक है। तो आपके एक दो तीन चार पांच छह सात कॉन्टिनेंट पूरे बन चुके हैं। ये खाली क्यों पड़ा, इसके अंदर भी लिख देते हैं हम कलाली नुनात। क्या है ये? कलाली नुनात, लेकिन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ग्रीनलैंड, आके आप लोगों को याद रहे, लेकिन अगर इसका सेकंड नेम आ जाए ग्रीनलैंड का तो आपने बताना है कलाली नुनात है। अच्छा, तो ये जो है ना आपका बन गया है अभी, क्या चीज? वर्ल्ड मैप बन गया है। ये जो टर्म्स लिखी है इनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने इन चीजों को भी साथ लेकर चलना है। अच्छा, यहाँ से ना हम मैप से थोड़ी सी जगह मांग लेते हैं। तो मैप से जो थोड़ी सी जगह मांगी ना हमने यहाँ पे, वो ये है, इसको मैं इरेज भी कर दूंगा, इसलिए साथ साथ जो है ना वो लिखते जाना, इतनी कंजूसी करने की भी क्या जरूरत है, अपना व्हाइट बोर्ड है ना सारा, तो यहां तक ले जाते हैं इसको। अच्छा जी, मैंने आपको बताया क्या कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि टोटल कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके बाद हमने देखे ओशन, ओशन देखने हैं अभी, ओशन टोटल कितने हैं? 5 हैं। चलिए ओशन देख लेते हैं। ओशन में एक ट्रिक है ओशंस को याद करने की, वो है PAISA, पैसा, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। और 5 ओशन आपको तरतीब से याद हो जाते हैं, क्योंकि सम टाइम वो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो जो पी है, पी से क्या बनता है आपका, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये देखो ये पैसिफिक पड़ा हुआ है, PACIFIC, पैसिफिक ओशन, ये है आपका पी से। उसके बाद क्या है आपका? ए है। यहाँ पे मैंने नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शंस लिखी थी ना, जिस तरह हमारे दो डायरेक्शन से दो कॉन्टिनेंट बने थे, उसी तरह हमारे दो डायरेक्शन से यहाँ पे दो ओशन बनने वाले हैं। एक का नाम क्या होगा? नॉर्थ एटलांटिक, और दूसरे का नाम क्या होगा? साउथ एटलांटिक, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्थ वाला है ना उसको हम खाली अटलांटिक भी बोल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो ए है सेकंड वाला, तो वो हमारा कौन सा हो गया? नॉर्थ अटलांटिक। उसके बाद आ गया आई। आई जो है वो इंडियन ओशन है। मैंने भी ये जो वी बनाया ना अभी आपको बताया, तो ये जो वी है ना ये इंडिया है। ये क्या है जनाब आपका? इंडिया है। और इस वी से नीचे सारा वाटर है, तो एक ओशन है वो। उस ओशन, क्योंकि वो इंडिया के साथ लग रहा है, इसलिए वो कौन सा ओशन हो जाएगा? इंडियन ओशन हो जाएगा। क्लियर? 3 ओशन हो गए। PAS, ये साउथ लिखा हुआ है, साउथ अटलांटिक, तो ये आपका हो गया 4th। और एक आर्कटिक आपका बच गया। अब देखिए जो अंटार्कटिका है ना, ये अगर हम नीचे जाएं मजीद तो ऊपर से निकल आएंगे, तो यहां से जब हम निकलेंगे तो ये आपका आ जाएगा कौन सा? ARCTIC, आर्कटिक ओशन, OCEAN, आर्कटिक ओशन आपका निकल आएगा। तो ये आपके टोटल मैंने 5 ओशन भी ड्रॉ कर दिए, बना दिए, आपको बता दिए ट्रिक से हमने किए। पी पहले नंबर पे पैसिफिक आ गया, ए से नॉर्थ अटलांटिक दूसरे नंबर पे आ गया, आई से इंडियन तीसरे नंबर पे आ गया, एस से साउथ अटलांटिक चौथे नंबर पे आ गया, ए से आर्कटिक पांचवें नंबर पे आ गया। अब आपके एमसीक्यूज ये सारे कुछ भी पूछ सकता है कि सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा, सारे आपको पता चल गए। अच्छा, कॉन्टिनेंट के बारे में भी इसी तरह हम डिटेल जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर तो हम कॉन्टिनेंट को देखें ना, किस पहले देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू लैंड देख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंड देख लेते हैं किसको,
कॉन्टिनेंट्स को, कॉन्टिनेंट्स को। अब हमने इसको तरतीब देना है कि कौन सा पहले पे कौन सा। देखें सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा है इतना बड़ा एशिया, तो ये एशिया आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट नंबर पे हो गया। अफ्रीका जो है आपका ये हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, दो हो गए हैं। तीसरा देखें वैसे ही कौन सा बड़ा लग रहा है, यहां से मुझे तो नॉर्थ बड़ा लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे कौन सा बड़ा लग रहा है, मुझे तो साउथ अमेरिका लग रहा है, तो मैं इसको लगा देता हूँ फोर्थ। ठीक है, शायद ये तस्वीर ये मैंने बनाया है कि छोटा बड़ा बना दियो, अदरवाइज है जो है ना यही है, कौन सा साउथ अमेरिका। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एंटार्क्टिका, ये आ गया फिफ्थ। उसके बाद सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारे पास यूरोप, और सेवन्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास क्या चीज, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, किस लिहाज से, लैंड के लिहाज से कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर दिया, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे और पांचवे पे कौन सा है, सात तक बल्कि के कौन से हैं। तो हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अब जो लैंड वाला बना अपनी आसानी के लिए जिस तरह भी आप लिख सकें, हम लिख लेंगे ए, उसके बाद अफ्रीका का एफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सेकंड वर्ड जो इसका एफ है ना, अच्छा ए एफ, हम फिर उसके बाद एन लिख लेते हैं, उसके बाद हम एस लिख लेते हैं साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, फिर ए लिख लेते हैं हम एंटार्क्टिका का, फिर ई लिख लेते हैं हम किसका, यूरोप का, और लास्ट में हम लिख लेते हैं ए ऑस्ट्रेलिया का। तो ये हमने देखी तरतीब कौन सी, लैंड के लिहाज से। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से, पापो पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन, पॉपुलेशन के लिहाज से हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट नंबर पे एशिया ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, देखें एशिया सबसे बड़ा जो है लैंड के लिहाज से इसलिए बनता है क्योंकि उसमें जो रशिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान से कोई 27-28 गुना बड़ा है, कि पता नहीं 67-68 गुना बना है, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन है वो बहुत बड़ी लैंड है उसकी। और दूसरी जो चीज है ना, हमने देखी पॉपुलेशन के लिहाज से, तो यहाँ पे ना एक इंडिया और दूसरा यहाँ पे आ जाता है चाइना, ये दो वो कंट्री हैं पूरी दुनिया में जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पहले जो है ना चाइना, चाइना था पहले फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, और इंडिया सेकंड पे था, लेकिन 2022 में, कब लिख देता हूं यहां पे मैं, 2022 में इंडिया जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया कितनी आबादी के साथ, 1.44 बिलियन से, और चाइना फर्स्ट से किस पे आ गया, सेकंड पे आ गया, कितनी आबादी के साथ, 1.42 बिलियन के साथ। ठीक है, तो अब देखें इंडिया ने मतलब अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं किया इसलिए वो ऊपर जाए जा रही है, और चाइना ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, किस तरह किया चाइना ने अपनी आबादी को इस तरह कंट्रोल किया, ये नहीं कहना कि सर मैं पढ़ा रहे हैं और कहाँ निकल गए। अच्छा थोड़ी बहुत बात जो है ना वो बीच में मैं बता देता होता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करके लिखते हैं हम ना, ताकि क्लियर भी तो हमने रखना है ना, ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं, खर्च मच जाए। हाँ ठीक लग रहा है। अच्छा चाइना 1979 के अंदर जो है ना, 1979 के अंदर जब भुट्टो को फांसी हुई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जनाब इक्तदार के मसाइल में उलझे हुए थे, उस वक्त चाइना ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की अपने मुल्क के अंदर, और उस पॉलिसी का नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम क्या था, वन वन चाइल्ड पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत चाइना में लोगों के सिर्फ मतलब जो कपल है उसका एक बच्चा हो सकता था, तो चाची मामी फूफे वाला कंसेप्ट सारा खत्म हो गया था, वहां भी लड़ाई झगड़े उन्होंने मुका दी, उन्होंने कहा ये हम एक कर देते हैं सिर्फ। अच्छा फिर ये 1979 से लेके ना 2015 तक रहा, 2015 में आके ना उन्होंने कहा कि यार चलो अब थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको ना, आप टू चाइल्ड कर लो, ठीक है, थोड़ी सी आबादी हमारी ना वो कम हो गई है तो इसलिए आपको एक और की इजाजत है।
फिर थोड़ा सा वो आगे गए, उन्होंने देखा कि यार ये तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, चाइना वाले तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं आबादी बढ़ाने में। तो उन्होंने मई, कब, मई 2021 के अंदर इसको कर दिया 3 चाइल्ड। पहले 1 चाइल्ड, फिर 2 चाइल्ड, फिर 3 चाइल्ड। उन्होंने देखा कि यार इतने थोड़े अरसे में कैसे ये करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो यार इनको जो है ना खुली छूट दे देते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जुलाई जुलाई 2021 के अंदर कहा कि अब आप लोगों को खुली छूट है, जितने मर्जी बच्ची पैदा करें आप, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, अगर पाकिस्तान के अंदर ये 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला जो है ना वो रूल लागू हो जाए, तो अगर 1 चाइल्ड वाला होता तो शायद मैं भी ना होता, क्योंकि क्योंकि मैं भी दूसरे नंबर वाला हूँ, और जो वीडियो देखने वाले हैं हो सकता है उसमें से भी बहुत सारे लोग जो है ना वो ना होते, इसलिए बीपीएससी वाले जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत कम होता है कंपटीशन जो है ना, जो भी ये जो लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और करते रहते हैं। अच्छा, तो हम थे चाइना के ऊपर, मैंने आपको ये एमसीक्यू 7 बता दी है। और अब जो है ना जुलाई 2021 में उन्होंने कहा कि जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, और मजीद उन्होंने बात क्या की, उन्होंने कहा कि यार अगर इंटरेस्ट नहीं लेते ना तो हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस करा दी है कि जाओ हम आपको अब फाइनेंशियल एड भी देंगे। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टाइपेंड भी देंगे आपको, बच्चे पैदा करें आप जितने कर सकते हैं। खैर, अब वापस आ जाते हैं, एशिया को हमने रखा अब पहले नंबर पे ही पॉपुलेशन के लिहाज से, उसके बाद हमने किसको रखा, अफ्रीका को ही रखेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका ही है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास यूरोप। यूरोप जो है ना बेशक 6th नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अच्छा एक और चीज मैं भी आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि आबादी क्यों कहाँ और कैसे ज्यादा और कम होती है। तो यहाँ पे आबादी जो है ना ज्यादा है, तो इसलिए ये जो है ना ये 3rd नंबर पे आ गया है, यहाँ पे ई किसके लिहाज से, आबादी के लिहाज से। और बाकी अब तरतीब तकरीबन वही वाली है, 3rd इस पे आया, तो 4th कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्थ अमेरिका, एंड फिर 5 पे हम लिख देते हैं साउथ अमेरिका। मैंने बताया ना कि वही तरतीब तकरीबन साउथ अमेरिका। अच्छा जी, फिर अब 6th पे आना तो एंटार्क्टिका को चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेक्चर जब स्टार्ट किया था ये बना रहा था, मैंने आपको बताया कि है ही बर्फ एंटार्क्टिका, टोटल क्या है, बर्फ है। यहां पर कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आबाद है ना सिर्फ वो कौन से लोग हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से वहां पर गए हुए हैं रिसर्च, रिसर्च स्टेशंस उन्होंने कायम किए हुए हैं, डिफरेंट रिसर्च के पर्पज से गए हुए हैं ना, सिर्फ वो लोग यहाँ पर हैं एंटार्क्टिका के अंदर, वरना यहाँ पे आबादी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको तो आबादी के लिहाज से रखना ही एंड पे है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने निकाल दिया, यहाँ पे देखे ना ये, इसको हमने निकाल दिया, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया रह गया, तो ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एंड पे आ जाएगा आपका एंटार्क्टिका, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो जाएगा 6th और ये हो जाएगा 7th। वैसे मुझे इसे ब्लू से लिखना चाहिए था, लेकिन खैर अब लिख दिया मैंने। तो ये था टोटल, क्या चीज, मैंने आपको बता दिया कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि 5 ओशन हैं, उनको याद कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया 7 कॉन्टिनेंट्स आबादी के लिहाज से कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि लैंड के लिहाज से किस तरह है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि सारे के सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ये मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको, वन पेपर के ऊपर ही है हम, इसलिए आप लोगों ने जरा वो करना है, क्या होता है वो, जरा रिलैक्स रहना है आपने, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी थी, चलें ये टर्म्स मैं अब आपको बता देता हूँ। नॉर्थ साउथ आपको पता चल गया, सेंट्रल से पता चल रहा है कि सेंटर यानी कि कुछ मिड का है, क्या है, कुछ मिड का है, तो आपने यहां से ए, ये कहाँ गया, ये मैक्सिको, ठीक है, ये है आपका मैक्सिको, और यहां से जो है ना ये आपका है जी जो यूएसए, और ये ऊपर वाला है आपका कनाडा। अब सेंट्रल अमेरिका आपका स्टार्ट होगा यहां से मैक्सिको से, और यहां तक रहेगा ये, देखें ये दो अमेरिकाज हैं नॉर्थ और साउथ, और ये इसके मिड वाला पार्ट है बिल्कुल, तो मिड वाला यानी के सेंटर वाला, मिड वाला यानी के सेंटर वाला पार्ट,
सेंटर वाले पार्ट को आपने क्या बोल दिया? सेंट्रल अमेरिका। फिर आपने एक टर्म सुनी होगी लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जो है ना, हम यहां से यूएस से स्टार्ट करते हैं और ये यहां तक एंड तक, यहां से लेके यहां तक जो है ना वो हमारा सारा क्या होता है, वो हमारा लैटिन अमेरिका होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, लैटिन यहां से स्टार्ट है और यहां पे आके लैटिन एंड है। सेंट्रल यहां से सेंट्रल स्टार्ट है और यहां पे आके सेंट्रल एंड है। फिर एक रह गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं ना कि जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा होता है ना कि पड़ोसी की भैंस ने दूध कम दिया है, वो कहते हैं जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं। देखो जी, दूध नहीं दे रही भैंस, अमरीका ने करवा दिया। वो जनाब लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं। अच्छा, हमसायों का बच्चा रोना शुरू कर दे, वो तंग कर रहे हैं आप, जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं। बच्चे बाहर गली में क्रिकेट खेलने आ जाए, कहेंगे जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं। तो ये वो वाला अमरीका है कि जो करवा रहा है अमरीका करवा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यहाँ पे। ये जो यूएस है ना, यहाँ पे इसकी है 50 states। कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर है जनाब 50 states हैं इसकी, और उसको हम डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। भैंस से याद आया, उसकी यूएसए की एक स्टेट बुफेलो भी है, ठीक है। चलो वो साथ मैंने आपको एडजस्ट हो गया। अच्छा, तो ये आपको ये वाली टर्म्स होगी आपकी, नॉर्थ साउथ सेंट्रल लैटिन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो होप सो आपको इन चीजों के बारे में ना कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये एक हमने यहाँ पे पेज उधार लिया था, थोड़ा सा पेज यहाँ से उधार ले लेते हैं मैप से, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज जो है ना, हम देखते हैं टोटल सीज के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? सीज। सीज वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन जो एमसीक्यू आपका बनता है ना, उस एमसीक्यू के मुताबिक आपके टोटल सीज हैं 12। कितने हैं टोटल सीज? 12 हैं। उसमें से शायद मैं भी सारे मुझे याद नहीं होते, भूल जाता हूँ एक आधा, लेकिन खैर मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। सबसे पहले तो ये जो चाइना है ना, चाइना के बिल्कुल साथ है यहाँ पे साउथ, एक मिनट यार, देखो ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो चाइना का जो साउथ है ना, समझ लें कि ये वाली चीज है, जो इसको आप बोलोगे साउथ चाइना सी, और इन्हीं 12 में से एक ईस्ट चाइना सी भी है, वो यहां पे है। कौन सा? ईस्ट चाइना। तो अब जरा देख के आप बताएं, क्या ये चाइना का साउथ नहीं बन रहा? क्या ये चाइना का ईस्ट नहीं बन रहा? तो हमने चाइना का ईस्ट भी ले लिया, चाइना का साउथ भी ले लिया। वैसे यहां पे ना एक येलो येलो सी भी है। कौन सा? येलो। लेकिन ना उसको इन 12 में कंसीडर नहीं करते होते, पता नहीं क्यों नहीं करते उसका, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर वो पूछता है, एमसीक्यूज आपका ही बनता है, वो पूछता है कि लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? आपने बताना है साउथ चाइना सी है लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक तो हो गया लार्जेस्ट, ठीक है, एक तो उसने पूछ लिया लार्जेस्ट। अब वो पूछता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट भी वो आपसे पूछता है, इन्हीं 12 में से है। तो लार्जेस्ट हो गया साउथ चाइना सी, और ये हो जाएगा बाल्टिक, क्या हो जाएगा? बाल्टिक। तो इनको याद करने के ना हर शख्स ने अपने कुछ ट्रिक्स बनाए होते हैं, जो मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ है ना, वो मैंने ये बनाया हुआ है छोटी बाल्टी, ठीक है। छोटी बाल्टी यानी कि जो बाल्टिक सी है वो छोटा है सबसे, और ये है कहां पे? ये है जनाब यहां पे है यूरोप के अंदर ना कहीं, बाल्टिक सी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना उनके करीब करीब है, और साउथ चाइना का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर एक चीज तो हमने बनाई नहीं, जो लोग बड़े तरक्की में आगे जा रहे हैं हम लोगों से, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये है जापान आपका, ठीक है, ये है आपका जापान। और जापान भी एशिया के अंदर लाया करता है, किसके अंदर लाया करता है? एशिया के अंदर। तो यहाँ पे जो सी है ना, कौन सा सी बन जाएगा? जापान का सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, ये हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा दो जो है ना वो रंगों के नाम पे हैं, कौन कौन सा? एक तो आपका है यहाँ पे,
ये है आपका रेड सी, ठीक है, और एक है आपका ब्लैक सी, वो यहां पे कहीं पे है मिड में, ठीक है, ब्लैक सी। तो ये हो गया आपका रंगों के नाम पे। फिर अच्छा जी, उसके बाद है आपकी एक बे है, कौन सी, हुडसन बे। यहां मैंने जो अभी आपको बता रहा था वो है HUDSON, हुडसन बे। इसको भी जो है ना वो किसके अंदर एंटर कर लेते हैं, सी के अंदर। फिर यहां पे ये जो नॉर्थ अटलांटिक के साथ ये वाली जो खाली जगह है, जो सेंट्रल अमेरिकाज है आपके, तो ये वाला जो है ना इधर भी, इधर जो सी है उस सी का नाम क्या है, उस सी का नाम है कैरेबियन। कैरेबियन की स्पेलिंग मुझे लगता है मैंने गलत लिख दी है, ठीक है, CARE है मेरे ख्याल, CARE है या A है, जो भी ना, कैरेबियन बनता है। तो आप लोगों ने ना वो एक वो देखा होगा, मूवी देखी होगी, कौन सी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो जिसमें जैक स्पैरो होता है, वो अजीब गरीब कहानियां दिखाते हैं उसके अंदर। तो वो इस सी की जो है ना वो कहानी है, वो जो पायरेट्स होते हैं, वो डिफरेंट कश्तियां होती हैं उनके पास, वो अजीब गरीब शक्लें होती हैं उनकी, ठीक है, तो वो इस वाले सी की बात है। अच्छा जी, उसके बाद दो रंगों वाले आपके बता दिए मैंने, हुडसन बे बता दिया आपको, कैरेबियन बता दिया, एक बेरिंग सी है, कौन सा है, बेरिंग, वो यहाँ पे है, BERING, बेरिंग सी। देखें यहाँ पे ना, अगर आप देखें ये मैंने इसको क्लोज नहीं किया था एशिया को, तो वहां से जो है ना वो बाकी उसका पार्ट यहां निकल आता है। जब बाकी पार्ट यहां निकल आया, तो एक और चीज आपको बता दूं मैं, ये थोड़ा सा आगे वैसे जाता है, मैंने इसको लेके नहीं गया, ये वाला जो W बनाया था ना हमने, ये पार्ट है यूएसए का, किसका, यूएसए का पार्ट है, और इसका नाम जो है ना इसको हम कहते हैं अलास्का। इसको हम क्या कहते हैं, अलास्का कहते हैं। अलास्का यूएस का पार्ट है, और ये वाला जो यहां से पार्ट निकला हुआ ना, ये है रशिया। तो जस्ट इमेजिन कि आप रशिया से यूएस आधे घंटे में जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आधे घंटे में मुल्तान से खानीमाल भी नहीं जा सकते, लेकिन आप यहां से यूएस से रशिया जा सकते हैं। तो इतना यानी कि वो है, क्योंकि मैंने कि अर्थ हमने जो ये बनाया ना मैप, ये हमने फ्लैट बनाया है, अर्थ जो है ना वो ज्वाइंट टाइप की है ना, राउंड गोल सी है, ठीक है, बेस भी शक्ल की है, तो वो इस तरह यहां से ये जो है ना इनको मिलते हैं, और जो बीच में बनता है ना इसको बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं, और ये बेरिंग सी भी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसको काउंट तो किया नहीं, कितने हो गए, 1, 2, 3, अच्छा जी, और कौन सा था, 4, 5, 6, 7, 8, और बाकी ये बाल्टिक वाला 9, और 3 अभी जो है ना मेरे माइंड में नहीं आ रहे कौन कौन से हैं, लेकिन खैर अभी पढ़ाते हुए साथ साथ वो जेन में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, हमने भी आपका क्या क्या देखा, हमने ओशंस देखे आपके, हमने आपके कॉन्टिनेंट्स देखे, हमने देखे सीज कौन से हैं, लॉन्गेस्ट देखा और स्मॉलेस्ट देखा, कॉन्टिनेंट का भी सेम किया हमने और ओशंस का भी हमने सेम किया। बीच में हमने अमेरिकाज की जितनी भी टर्म्स थी हमने उनको देख लिया कि वो क्या होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या किया, मैंने आपको चाइना के बारे में भी और पॉपुलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत गाइड किया। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि लेक्चर कितना मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक हमारा 40 मिनट्स का जो है वो हो गया लेक्चर, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हम चलेंगे ना उसके अंदर हमने क्या चीजें करनी है, उसके अंदर यही जो मैंने मैप बनाया हुआ है ना इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैप वैसे ये एग्जैक्ट तो उन लाइंस के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब वो LED वाली जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो हमें इसके ऊपर ही करना है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जब बंदा हाथ से ड्रॉ करता है, और स्टूडेंट भी साथ साथ हाथ से ड्रॉ कर रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर कल को मैंने भी LED ले ली तो फिर मैं कहूँगा कि LED से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। अच्छा जी, कुछ टर्म्स हैं वर्ल्ड मैप को लेके जो आपको पता होनी चाहिए, और अब हम वो टर्म्स आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर ही चलो बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये जितना भी वो है ना आपका जो मैप है,
इधर पहले हमने एक पॉइंट बनाना है, ए इधर, ठीक है, इधर एक पॉइंट बनाना जरूरी था। तो अब हम इसके राइट पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट पे भी एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी सी, ठीक है। और चूंकि ये पॉइंट बनाया है तो मैं इसको ऊपर से भी लेके आऊंगा, ठीक है, और ये ऐसे ही नीचे भी चला जाएगा। हमने क्या किया, हमने इस मैप को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। हमने नहीं किया, ये जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो भी ये ज्योग्राफी दान है ना, उन लोगों ने किया है और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अच्छा, कुछ ना टर्म्स हैं, ये जो हमने पेज उधार लिया था ना, ये थोड़ा थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये वाली टर्म भी तो हमारे किसी काम की नहीं है ना, इनको भी रेस करते हैं। माइक बंद हो गया, पता चले मेहनत जाया जाए सारी। अच्छा जी, माइक मैंने दूसरा लगा लिया है ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अच्छा जी, कुछ टर्म्स जो है ना मैं आपको बता रहा था, यहां हम लिख लेते हैं। एक टर्म जो है ना वो होती है आपकी, कौन सी होती है, एल्टीट्यूड, अच्छा जी, और इसके अलावा एक टर्म होती है आपकी लेटिट्यूड, और जी एक टर्म होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होती है। अब जो ये टर्म्स है ना, सबसे पहले एल्टीट्यूड को देख लेते हैं, उसका इन दोनों से ना कोई खास लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन मिलते जुलते हैं तो इसलिए हमने इसको भी कर लेना है। एल्टीट्यूड अब ये है, जैसे कि देखें यहाँ पे जो है ना आपके पास है पाकिस्तान में K2 की पहाड़ियां हैं ना आपके पास, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, तो अब उस का जो K2 है उसकी जो हाइट है कितनी है, 86 11, ठीक है, मीटर, तो 86 11 मीटर जो है ना, यहाँ पे ये है ना हमारे पास है अरेबियन सी, कौन सा सी है, अरेबियन सी, तो ये हो गया सतह समंदर से 86 11 मीटर की हाइट। तो जब भी सतह समंदर से हाइट जितनी भी बढ़ती जाएगी ना, तो वो उसका एल्टीट्यूड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने सिटी की एग्जाम्पल लूँ ना, हम यहाँ पे हैं कहीं मुल्तान में ना, हम हैं मुल्तान में, और मुल्तान का जो एल्टीट्यूड है ना वो है 420, ठीक है, क्यों गलत डिजिट तो नहीं है, इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, आप लगा लें कि ये है 430, ठीक है, अब ठीक है, तो इसका जो है ना मुल्तान का एल्टीट्यूड इतना है। लेकिन जैसे जैसे हम ये देखो ना समंदर से, कराची का तो जीरो है, कराची से ऊपर आ रहे हैं मुल्तान आ गए, फिर ऊपर लाहौर जाएंगे, फिर ऊपर हम नॉर्दर्न एरियाज, जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो ये भी एल्टीट्यूड भी क्या होता रहेगा, इसका बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो एक टर्म तो आपकी हो गई एल्टीट्यूड। अब हम देखते हैं दूसरी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहां ना मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ मूदी आ रही है और एक जो है ना
ये लेटी हुई है लाइन यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैप को डिवाइड करती है। लैटिट्यूड जो है ना, लैटिट्यूड ये एक लेटी हुई लाइन है। कौन सी लाइन है? लेटी हुई। तो देखो ना, ये लेटी हुई तो ये पड़ी हुई है ना जो नीचे वाली, तो हमने लैटिट्यूड इस लाइन को बोल दिया जो लेटी हुई है। और जो दूसरी बच गई है, यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरह आपका इन तीनों के अंदर डिफरेंस हो गया। एल्टीट्यूड तो बिल्कुल ही अलग है ना, उसको तो आप निकाल दो इस फैमिली से। लैटिट्यूड से हमने लेटी हुई याद की, यानी कि हमने कहा कि इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। एक चीज हमने ऐड की, इसका मतलब दूसरी ऑटोमेटिकली उससे निकल जाएगी। अगर लेटी हुई चीज जो है वो लैटिट्यूड है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीज है वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूड है। तो इस मैंने आपको करवाया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये जो है ना, ये डिवाइड होते हैं, यहाँ पे होता है जो आपकी ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना, ये होते हैं जीरो डिग्री। ये क्या होते हैं? जीरो डिग्री होते हैं। मैंने हर जगह जो है ना ये जीरो डिग्री लगा दिया इसलिए। और यहाँ पे जो जहां पे जो है ना ये मिल रही है, दोनों पॉइंट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहते हैं गल्फ ऑफ गनी, गल्फ ऑफ GUNII, गनी, गल्फ ऑफ गनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट जहां पे कौन कौन सी, अच्छा इन लाइनों के नाम भी है। अब जो लेटी हुई लाइन है ना, जो लेटी हुई लाइन है और जीरो पे है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? जो जीरो डिग्री पे है, जो जीरो डिग्री पे है उसको हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियन। उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट मेरिडियन। ये जो आपका टाइम होता है ना, हम कहते हैं कि जनाब अभी इतने बज रहे हैं, जैसे कि अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि AM है, AM का भी चल रहा है ना। तो AM और PM का भी देख लो आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि MCQs हैं, आ जाते हैं कभी ना कभी, वहां पे आपको मसला ना हो ना फिर। AM से बनता है एंटी मेरिडियन और PM से क्या बनता है? PM से बनता है आपका पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अभी इन टर्म्स को हम थोड़ा सा आगे भी लेकर चलेंगे। उससे पहले आपको ये चीज क्लियर है कि जो लेटी हुई लाइन है एक जीरो वाली, वो कौन सी है? उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और जो दूसरी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट मेरिडियन लाइन कहते हैं, जो ऊपर वाली जीरो वाली लाइन आती है। अब जीरो जीरो डिग्री तो हमने ड्रॉ कर लिया, जब जीरो डिग्री उससे आगे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो हम जैसे ही इससे ऊपर जाते जाएंगे ना, यहां पे कहीं एक और लाइन है, पाकिस्तान देख लूं ना पहले मैं, हम मैंने उसको उसके पास से गुजारनी है इधर से, ठीक है। तो इधर से हमने एक और लाइन ड्रॉ की, स्केल मेरे पास नहीं है वरना मैं खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता होता कुछ ज्यादा। इसी तरह हमने अब ऑस्ट्रेलिया से दूसरी लाइन गुजारनी है, ठीक है। तो पहले मैं देख लूं ना ऑस्ट्रेलिया यहां पे है कहीं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने दूसरी लाइन गुजारनी है, मिशिगन 2023 नहीं बनता, लेकिन हमने गुजारना था उसको लाजमी वहां से ना। तो ये जीरो था, यहां पे आ गया 23.5 डिग्री, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे भी आ गया 23.5 डिग्री, तो जाहिर है कि जब यहां आया तो इधर भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये डायरेक्शंस जो स्टार्ट में मैंने ड्रॉ की थी, मैंने क्यों दोबारा से लिख दी थी? क्योंकि इनका काम पड़ता है बार बार। तो देखें, ये जीरो जो है इक्वेटर की लाइन जो है, इससे जो ऊपर चीज होगी वो क्या है? नॉर्थ है। तो ये मैं क्या बोलूंगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह जो इससे नीचे है लाइन से, वो साउथ में है एस, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 23.5 डिग्री साउथ। होप सो आप लोगों को ये चीज यहां तक क्लियर होगी होगी। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना, इन लाइंस का एक नाम है कोई, वो नाम क्या है मैं आपको बताने लगा हूं।
हम कहते हैं कि पाकिस्तान फिर भी बच गया लाइन में आते हुए ना, पाकिस्तान किस में आता है? पाकिस्तान आता है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज ही बता रहा हूँ मैं सारे अभी तक आपको, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे करके लिखा जाएगा मुझसे, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे लाया करता है, तो इसका जो है ना आता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन होती है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन होती है। इसके बाद 23.5 है, अगली होगी 66.5 पे, तो अगली लाइन भी मैं ड्रॉ करने लगा हूं ना यहाँ पे, तो ये मैंने ड्रॉ की क्योंकि यहां से हमने मिड काटना होता है ना रशिया को, तो रशिया को तो काटना होता है लेकिन ये ज्यादा ऊंचा बन गया फिर, तो ये मैं एक और लाइन ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। ये ना कहना कि सर ने खिचड़ी बना दी है, ये जरूरी काम है, ये जो वन चाइल्ड टू चाइल्ड ये तो मुझे मिटा देना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा जो है ना ये जो कर रहा हूं मैं, ये जरूरी काम है सारा। दूसरा हमने यहाँ पे लाइन लगानी है, ये एंटार्क्टिका को हमने क्या कर देना है, बेदखल कर देना है, अलग कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले जो लाइन लगाई 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वहां लिख दिया मैंने, यहां भी लिख देता हूं ये कौन सा ट्रॉपिक है, कैप्रिकॉन। उसके बाद अब ये जो लाइन है ना ये है 66.5 डिग्री साउथ, और ये जो ऊपर लगाई है ये कौन सी है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। कोई ऐसा स्टूडेंट अभी देखो ना, ये इससे सवाल नहीं कर सकता हूं मैं, खैर रिकॉर्डिंग कोई नहीं। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आ रहा हो, मैंने बताया कि जीरो डिग्री है ना, आगे पीछे जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपके जो है पॉइंट्स तो बढ़ने हैं ना, जिस तरह हम अपने मैथ में करते होते हैं ना, मैथ में हम किस तरह करते हैं, मैथ में हमने इस तरह करना होता है ना, यहाँ पे जीरो होता है, ये वाली लाइन तो ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ एक लाइन से मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जीरो होता है, वो जो अगर मेरा डेमो लेक्चर देखा उसमें मैंने इसी आपको बताई, फिर जीरो से इस तरफ जब आप जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, इस तरफ जब आएंगे तो खैर नेगेटिव में चलता है लेकिन चलता तो 1 2 3 4 5 ही है ना, तो इस तरह है, ये जीरो डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो भी 23.5 आ गया, नीचे जा रहे हैं तो भी 23.5, एकदम से नहीं आ गया, मतलब पहले 1 2 3 4 5 फिर 23 तक पहुंचे, फिर 23 से आगे 24 25 26 करते करते 66.5 तक पहुंचे, इसी तरह नीचे पहुंचे। तो होप सो ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अब वापसी आता हूं मैं, 66.5 ऊपर और 66.5 नीचे। देखें जो मेरा रेड पेन कहां गया, अच्छा जी ये देखें 23.5 और 23.5 है ना, अब ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं ना, परेशान नहीं हो ना बिल्कुल कि सर ने खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी नहीं है ये, एक बार आपको समझ आ गया ना इंशाल्लाह पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा फिर, ठीक है। ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूं बेसिकली मैंने पूरे पे लगानी है ना एंड तक, ठीक है। तो ये वाला जितना भी रेड अब हो गया है ना आपका एरिया, इस एरिया का ना एक नाम है, इस एरिया का क्या है, एक नाम है, और वो नाम क्या है, इस एरिया का नाम है जनाब TROPICAL, ट्रॉपिकल जोन। इस एरिया का नाम क्या है, ट्रॉपिकल जोन। कौन सा एरिया है, 23.5 ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अच्छा जी इससे आगे चलते हैं, अब हम इससे आगे मैंने भी 66 वाला जो लगाया, कौन सा लगाया, 66 वाला, यानी के वैसे एक तो रेड से हो गया, यानी के ये वाला, ये ठीक है, और इसी तरह ये वाला 66 बन रहा है आपका, ठीक है। ये और ये, इस पूरे जोन को भी हमने एक नाम दिया हुआ है, इस पूरे जोन को भी हमने क्या दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, और इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन,
और टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है? 66.5 डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। फिर एक तीसरा जोन है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं हम उसको? फ्रिजिड जोन कहते हैं। और वो इस 66.5 से आगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऑनवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये जो एंटार्क्टिका है सारी क्या है? बर्फ है। तो देखें, ये लाइन मैंने पूरी जो ड्रॉ की है 66.5 वाली, ये बिल्कुल इसके पास से की है। इसका मतलब इससे ऊपर तक तो था टेम्परेट जोन, लेकिन इससे नीचे सारा क्या है? अब सारी की सारी बर्फ है। इसी तरह यहां से ये वाला पार्ट थोड़ा सा इतना नहीं आता इसके अंदर, लेकिन रशिया का आता है। और उससे ऊपर वाला जैसे ग्रीनलैंड है ना, पूरे का पूरा इसके अंदर आता है। और ग्रीनलैंड पूरे का पूरा जो है ना बर्फ है। और ग्रीनलैंड के बारे में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, ये कलाली नुना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेसिकली जो है ना ये डेनमार्क के अंडर आता है, डेनमार्क के अंडर आता है। अच्छा जी, होप सो मैंने काफी अच्छी खिचड़ी बना दी है। और इसके अंदर मैंने आपको एल्टीट्यूड बता दिया है, लैटीट्यूड बता दिया है, लॉन्गिट्यूड बता दिया है, ट्रॉपिकल जोन बता दिया है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन बता दिया है आपको। होप सो इनसे रिलेटेड तो आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया है। अब वो अलग बात है कि आप लोगों को उस लिहाज से समझ आया है कि नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने दो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए थे, कौन कौन से? एक AM और एक PM, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाला जो जीरो है ना, जिस तरह यहाँ हमने बताया कि जीरो से ऊपर भी और नीचे भी डिग्रीज हैं, तो जाहिर है ऊपर भी होंगी। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई है, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ना, जो लेटी हुई है, इनकी जो टोटल डिग्रीज है ना, वो आपकी बनेगी 180, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूड वाली है ना, इसकी जो टोटल डिग्रीज आपके पास बनेगी, वो बनेगी 360, ठीक है। तो ये आपने बस एक बात याद रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कहीं इंग्लैंड भी है, इधर जो है ना इंग्लैंड हमने बनाया नहीं जजीरा, जैसे जापान नहीं बनाया वैसे इंग्लैंड भी नहीं बनाया, हालांकि हम इनके गुलाम रहे हैं। ये क्या बना दिया मैंने? ये मैंने बना दिया ब्रिटेन। इंग्लैंड भी उसी के अंदर ही आता है, जाहिर बात है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जो है ना एक जगह है, उस जगह का नाम है GMT। क्या है? कहां लिखूं? यहां लिख देते हैं। उस जगह का नाम है जी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बना इसे? '1884 के अंदर ये कायम हुई। और आपका जो टाइम है ना मौजूदा, वो यहां से एक पॉइंट है इंग्लैंड में, तो वहां से जो है ना ये आपका वो बनता है, मतलब जो क्या बोलते हैं, सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, वो वहां पे GMT में। तो जहां पे जीरो है ना, तो जीरो से आगे इस तरफ जब हम जाएंगे, तो ये डिग्री बन जाएगा 15, ये बन जाएगा आपका 30, ये आपका बन जाएगा 45, ये आपका बन जाएगा 60, 75, 90, ठीक है। इस तरह जो है ना ये चलता जाएगा 180 इस तरफ और 180 इस तरफ। जब दोनों तरफ आ जाएगा 180 180, तो कितना हो जाएगा ये मिलके? 360 हो जाएगा। ये मैंने पहले यहाँ लिख दिया है। तो आपका जो टाइम है ना, आप लोगों को अगर पता हो, पाकिस्तान का जब हम टाइम सेट करते हैं ना किसी भी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो वहां पे एक चीज लिखी आ रही होती है, वहां पे लिखा आ रहा होता है GMT प्लस 05 आर, इस तरह का लिखा हुआ रहा होता है, आगे लिखा हुआ रहा होता है कराची या फिर इस्लामाबाद लिखा रहा होता है।
तो ये जो GMT 0+5 लिखा आ रहा होता है ना, तो देखें वो यहां से आता है। ये जो हर डिग्री है ना, हर 15 डिग्री के बाद एक घंटा बढ़ जाता है। एक घंटा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस 15 के बाद जब यहां तक पहुंचेगा तो कितने आर बढ़ जाएंगे? 2 आर, 3 आर बढ़ जाएंगे यहाँ पे 4 आर बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 5 आर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो ये पाकिस्तान है ना आपका, ये आता है इस 75 वाले के अंदर, यहाँ पे। ये जबरदस्ती में ले गया मुझे यहाँ पे टेढ़ा करके, ठीक है, लेकिन आता ये 75 के अंदर ही है। तो देखें इस तरह आपका जीरो से जो डिफरेंस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पाकिस्तान में 5, हम 5 घंटे जो है ना बरतानिया वालों से आगे हैं। तो अगर आप लोगों को ये यहां से टाइम देखना आता है ना, तो आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि जनाब फलां मुल्क में जो है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ये है ना सऊदिया, ये आता है ये 45 वाले के अंदर, ये 45 में आ गया, ठीक है। ये जबरदस्ती नहीं मिलाया, ये बन रहा था। तो यहां पे जो है ना, अगर 3 बज रहे हैं अगर PM, तो पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे? पाकिस्तान में बज रहा होगा 5 PM। तो ये इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, फिर टोटली देखें अब आपके कितने घंटे हैं, आपके हैं 24 आवर्स हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे है ना। तो 90 तक तो मैंने लिख दिया, तो ये कहां तक जाएगा? 90 के बाद 90 है, उसके बाद आ जाएगा 105 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, 165 और 180, ठीक है। इस तरह ही आगे जाता रहेगा। तो यहाँ पे 6 आर, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 आर जो हो गए आपके एक तरफ के, और 12 आर ही हो गए इस तरफ के आपके। तो हमें जो पता ये चला, पता क्या चला हमें, 360 डिग्री थी, 360 डिग्री को हमने 24 पे डिवाइड किया, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में। तो ये बन जाएगा आपका 21 बन जाएगा, पीछे क्या बचा? 12 बचा, तो वो हो जाएगा आपका टोटल कितना? 5। तो 15 डिग्री जो है ना बाद आपका एक घंटा चेंज हो जाता है। इस पूरी बात का जो है ना वो ये मकसद है। तो अब AM का मतलब है कि टाइम पहले वाला जो है, यानी कि यहां से पहले वाला AM है, इसके बाद वाला क्या है? सारा PM है। तो इसका एंटी मेरिडियम का और पोस्ट मेरिडियम का मतलब ये था। अच्छा, इसके अलावा मैंने रास्ते में कौन सी टर्म थी जो रोक ली थी, कोई थी इस तरह की? अच्छा जी, खैर ये खिचड़ी काफी सारी बन गई है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ और कुछ चीजों को क्लियर करता हूँ। तो इसको जिसने नोट करना है, शायद आपने साथ साथ कर भी लिया हो, तो आप इसको समझ लें। अगर ये वाली लाइंस आपने ड्रॉ नहीं की हैं, तो कोई खुद से नोट्स अपने बना लें, ताकि ये चीज़ें जो है ना आपको भूलें ना। और आप ये देख लें कि ये चीज़ें जो लेक्चर की फॉर्म में भी तो मैं बता रहा हूँ ना, तो नोट्स में इस तरह तो नहीं है मेरे पास, प्रॉपर लेक्चर वाली फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन जब नोट्स आप रीड कर रहे होंगे ना, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें वहाँ पर याद आएंगी। एक एक चीज़ यहाँ से जो भी मैंने बताई है ना, वो आपके MCQs हैं, वहां पे आपको याद आएंगे कि सर ने तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, चले अब नेक्स्ट इसको मैं जरा रिमूव कर लूँ।